हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द डम्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है खीरे की सब्जी, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने 4 कुकुम्बर लिए हैं। अब हम इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है बाहर से, और साइड से अब हम इसको काटेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से इनके छिलके उतार लेंगे। इस तरीके से हम इसका आगे और पिछला भाग खीरे का निकाल लेंगे। फिर हम इसको इस तरीके से पील करेंगे। अब इनका छिलका उतारने के बाद हमने इसे फिर से धोया है। अब हम इसे काट लेते हैं। इसे आप इस तरीके से काटें, इसके जो बीज हैं वो हमें निकालने होंगे। इसी तरीके से हम चम्मच की हेल्प से सारे बीज निकालेंगे। देखिए, तो देखिए इस तरीके से सारे बीज निकाल दिए हैं। अब हम इसको काटेंगे। तो देखिए, हमने सारे खीरे के पीसेस को काट लिया है। यहाँ पे हमने एक प्याज को छोटा छोटा चॉप करके रखा है। यहाँ पे हमने 2 टमाटर काट के रखे हैं, और यहाँ पे 2 छोटे मिर्ची को चॉप करके रखा हुआ है, और यहाँ हमने 5-6 कलियाँ लहसुन की पीस के रखी है। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा के गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। करीबन हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हम डाल रहे हैं राई पॉपअप होने पर हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है। अब हम डाल रहे हैं प्याज। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। करीबन 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने खीरे काट के रखे हैं। ये सब्जी बहुत ही झटपट तैयार होती है। अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए कि किस तरीके की सब्जी बनाई जाए, और आपको वैरायटी चाहिए हो अलग से, तो आप खीरे की सब्जी ट्राई कर सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही फास्ट बनती है, ये आप किचन में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। अब इसमें हमने डाला है जो हमने लहसुन पीस के रखा था, वो डाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब इसे हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसे हमें लो टू मीडियम आंच में पकाना है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाएंगे। करीबन 2 मिनट बाद अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से।
फिर से आप इसे ढक के पकाएं जब तक टमाटर मैश ना हो जाए। तो देखिए करीबन 3 मिनट बाद में हमने इसे ओपन किया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर और इसमें हमने डाली है थोड़ी सी लाल मिर्ची, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी देर हम और इसे ढक के पकाएंगे, करीबन 2 मिनट, फिर सब्जी हमारी बनके रेडी है। करीबन 2 मिनट हो गए हैं तो देखिए सब्जी बनके रेडी है। इसे हमने बिल्कुल लो फ्लेम में रखा था और अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो देखिए हमारी खीरे की सब्जी बनके रेडी है। हमने इसे गार्निश किया है हरे धनिए से। तो देखा आपने ये सब्जी कितनी इजी और सिंपल तरीके से हमने बनाई है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। मेरे इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करें। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।